प्रोफेसर राम गोपाल यादव। धन्यवाद श्रीमान। श्रीमान यस प्लीज डिफेंस आप शुरू कीजिए। नाउ साइलेंस साइलेंस प्लीज शुरू कीजिए। रक्षा मंत्रालय पर और उससे जुड़े हुए मसलों पर, खास तौर से अगर कोई स्कैम जैसी बात आती है उस पर डिस्कशन होता है तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद बात है। और आज इस पर डिस्कस करते हुए मुझे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की दो लाइनें याद आती हैं जिनको मैं कोट करना चाहूँगा कि द ओनली थिंग वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम इट। इसी तरह का एक मामला बहुत पहले बोफोर्स के रूप में उठा था और उसका परिणाम क्या हुआ ये अलग बात है कि किसने क्या लिया किसने क्या दिया, लेकिन पूरे देश पर, देश की सेना पर और अधिकारियों के मनोबल पर उसका इतना विपरीत असर पड़ता है कि कोई भी अधिकारी डिफेंस डील में दस्तखत करने से बचता है, वो करना नहीं चाहता। और नतीजा ये हुआ था कि बोफोर्स के सौदे के बाद आप जानते हैं एक सरकार चली गई, चुनाव प्रचार में बोफोर्स तोप को दिखाया गया कि इसमें से गोली की जगह बाजरा निकलेगा और जब कारगिल की लड़ाई हुई तो वही बोफोर्स काम आई वही बोफोर्स काम आई जिसके बारे में इतना प्रोपेगेंडा हुआ, जिसको लेकर हमारे एक डिफेंस सेक्रेटरी को जेल जाना पड़ा जिनकी डेथ हो गई। यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी थे भटनागर साहब, डिफेंस सेक्रेटरी थे। तो उससे हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा। उसका नतीजा ये हुआ था कि सुकोई डील से पहले तक उस पूरी अवधि में एक भी गोला बारूद, किसी तरह का हथियार खरीदने का सौदा किसी देश से हिंदुस्तान का नहीं हुआ और हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी कि हम पाकिस्तान से भी पीछे चले गए थे। अगर युद्ध का की स्थिति बन जाती कहीं तो हमारे पास 15 दिन के लिए भी गोला बारूद नहीं था चलाने के लिए। इस बात पर कभी कोई न सोचता है न विचार करता है, केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए इन बातों को उखाड़ने से आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को कहाँ कहाँ बॉर्डर पर अपनी जान को हथेली पर रखकर खड़ा रहना पड़ता है। आप तो गए होंगे, रक्षा मंत्री ये भी गए होंगे, ये भी गए होंगे, बर्फ में पता नहीं कब चला जाए सिपाही सियाचिन में। इन सारे लोगों को जब ये चर्चा होती है कि डिफेंस में कोई गड़बड़ी हुई है, डिफेंस के डील में कहीं सौदेबाजी हुई है, पैसा के लेन देन हुआ है, तो इन सबके मन पर बुरा असर पड़ता है। वे केवल अपनी वेतन के लिए नहीं बल्कि एक जज्बा होता है देश की रक्षा का उनके मन में, इसलिए वहाँ जाते हैं, वरना उससे बेहतर, उससे ज़्यादा पैसा वो दूसरा काम करके घर पर रह के कमा सकते हैं। तो उनके मन पर क्या बीतती है। अब ये जो मामला है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, न मैं कोई बहुत बड़ा वकील हूँ, न मैं कोई अकाउंटेंट हूँ जो ज़्यादा इसके बारे में जानूँ, लेकिन मैं ये तो मैंने पढ़ा है कि जैसे ही ये जानकारी में आया कि इसमें गड़बड़ी हुई है तो तत्कालीन रक्षा मंत्री ने उस सौदे को रद्द कर दिया और CBI जाँच के आदेश दिए। सौदे को रद्द कर दिया और CBI जाँच के आदेश दिए। तो जब CBI की जांच के आदेश दे दिए, रक्षा और सौदे को
रद्द कर दिया गया, 3 हेलीकॉप्टर्स को इम्पाउंड कर लिया गया, तो बैंक गारंटी विड्रॉ कर ली गई। ये सारी चीज़ें जब हैं तो इस चीज़ को बहुत तिल का तार बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सदन के सारे लोगों से बिना किसी पर आरोप लगाए हुए ये अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका इन चीज़ों का असर बहुत, इसके दूरगामी परिणाम होते हैं, एडवर्स परिणाम होते हैं, बहुत ख़राब। पॉलिटिक्स में अगर यही हो जाएगा कि आज हम सत्ता में हैं तो इन पर आरोप लगा रहे हैं, मान लीजिए पैसा लिया गया है, आप सत्ता में मई 2014 में आ गए थे तो आपने क्या कार्रवाई की? आपने ये पता करने की कोशिश क्यों नहीं की कि किन लोगों ने पैसा लिया? अगर वो कोर्ट कहता है कि पैसा गया है तो किन के पास गया है, ये जानने की जिम्मेदारी किसकी थी, ये पता करने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो सरकार 2 साल तक अगर इस तरह से एक जजमेंट आने के बाद आप कहें, इससे पहले एक जजमेंट आया था, बिल्कुल, उस जजमेंट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब दूसरा जजमेंट आया तो ये इसका मामला सारे हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जान गया कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फला फला ने पैसा लिया। तो ये एक ऐसी स्थिति है, विषम स्थिति है, कि इस चीज़ को बढ़ाने के बजाय गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर गवर्नमेंट संतुष्ट है पूरी तरह से कि इसमें गड़बड़ी हुई है तो उसको आना चाहिए कि लली जांच के साथ कि किन लोगों ने पैसा लिया है, कहां पैसा गया है और कैसे गया है। क्योंकि अभी जो मेन आधार बना, जिसके ऊपर हमारे एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ के खिलाफ ऑर्डर है, त्यागी के खिलाफ, उसमें यही है कि 6000 मीटर से नीचे 5500 तक का करने में इनका बड़ा सहयोग था। अब अभी सिंह भी साहब ने बताया, इट इज़ बिल्कुल नई चीज़ है हमारे लिए, तो ये तो बहुत पहले अटल जी के ज़माने में तय हो गया था कि 6000 मीटर के बजाय 4500 मीटर कर दिया है। वो अलग बात है, आप सरकार में आपके पास सारे तथ्य हैं सो देना, लेकिन मेरा ये कहना है कि 2 साल से ज़्यादा आप सत्ता में हैं और इतना सीरियस मामला था और ऐसे बड़े लोगों को आप आरोपित कर रहे हैं जिनको आप दंडित करना चाहेंगे, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होगी, तो अभी तक आपने क्या किया और क्यों नहीं किया? अगर सही बात थी तो कोई एक्शन नहीं हुआ, क्यों कार्रवाई नहीं बढ़ी? तो इससे संदेह, मैं नहीं कहता हूं कि ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन इससे संदेह तो पैदा हो ही जाता है और संदेह का लाभ हमेशा जो एक्यूज्ड होता है उसको मिलता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैं 4-5 मिनट और बोलने का टाइम है, लेकिन वो ऐसा मुद्दा है, मैंने शुरू में ही कहा था कि डिफेंस के मामले में घोटाले पर जब चर्चा होती है तो मेरा मन उस पर चर्चा करने का होता नहीं। ये बहुत ही दुखी मन से मैं ही कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा देश के आम सैनिकों से, जो सिपाही हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से, तो आप में से कुछ बड़े लोगों के संबंध होंगे, उनके परिवारों के लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन हम तो ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जिनके घर के लोग वहाँ राइफल लेके सीमा पे सिपाही और नायक, लांस नायक और हवलदार यही बन पाते हैं। मैं उनकी जो भावना है उनको जानता हूँ, और ये डिफेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं इटावा में, हमारा एक इलाका है भदावर, पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सेना में लोग वहाँ के, बगल में मैनपुरी है, उसमें जो पूरी चौहानी है
पूरा राजपूताना रेजिमेंटल सेंटर कभी कभी मैनपुरी के चौहाने के जवानों से भरा हुआ होता था। वो हमारे गांव के आसपास का सारा इलाका है, इसलिए मैं उनकी मनोदशा को जानता हूं। मैं जानता हूं कि जब 65 में लड़ाई के बाद लाहौर के किनारे पहुंच गए थे और इधर जैसलमेर की सीमा की तरफ भी हम आगे बहुत बढ़ गए तो वापस आए तो मैनपुरी के पूरा राजपूताना रेजिमेंटल सेंटर के बहुत लोग मारे गए थे। तो लोगों ने कहा कि हम अपने बच्चों को क्यों भेजें, आगे जीती हुई जमीन को अगर वापस दे दें उसी पर फिर लड़ने के लिए दोबारा मरें जाके तो क्यों भेजें। तो हम उनकी मानसिकता को जानते हैं, निकट से देखा है मैंने, इसलिए इस तरह के मुद्दों पर जब बहस होती है तो मेरा मन नहीं करता बहस करने का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे लोगों का मनोबल बहुत गिरता है। अगर है कोई मामला तो उसको जितना जल्दी आप जांच करके ख़त्म कर सकें बजाय इसके कि इसको पॉलिटिकलाइज करके सेंसेशनलाइज करके देश में आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको प्रोपेगेट करें, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी भूपेंद्र जी ने इसको शुरू किया था, एक बार दुष्यंत ने 1957 में लिखा था, दो लाइनें लिखी थी, मैं उसके साथ ही ख़त्म कर दूंगा कि मत कहो कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। थैंक यू। श्री शरद यादव जी, सभापति जी, तीन वक्ताओं ने जो बात रखी है और विस्तार से इस बाजू के लोगों ने, खास करके इस बाजू के लोगों ने, संघवी साहब ने जो बात रखी है उसे मैं दोहराऊंगा नहीं। ये आपके जरिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको इस देश की जनता ने इतने बड़े बहुमत से जिताया है और मैं मानता हूँ कि पहली बार एक पार्टी का इतना बड़ा, अपोजिशन की पार्टी का इतना बड़ा बहुमत मिला। देश में अब तो अपोजिशन में, देश में एक तहजीब और संस्कृति बनना चाहिए। सरकार जब बन जाए तो आपका काम है एक्ट करना, आपका काम है जो वादे किए हैं उनको धरती पर उतारना, आपका काम है जो रामगोपाल कह रहे थे दो बरस हो गए। मैं मानता हूं कि इस देश की दिल्ली से लेकर गांव देहात तक कदम कदम पर इस देश की जनता का पैसा लूटा जाता है, भ्रष्टाचार गजब और सब गजब नहीं विकट समस्या है। और जब भी यह चर्चा शुरू हो जाती है तो लोग सब चीज भूल करके इस चर्चा में चले जाते हैं, इस चर्चा को अब सारे टीवी वाले, सारे देश के लोग, और कितने बयान, यानी आप दोनों पार्टी के लोग हैं खास करके ट्रेजरी बेंचेस के लोग, कितने बयान दे रहे हो आप, किस बात के लिए बयान दे रहे हो आप, क्यों दे रहे हो आप, आपके पास पूरा संविधान है, फोर्स है, पुलिस है, फौज है, ईडी है, सीबीआई है, इतने हथियार लेने के बाद भी फिर बयानबाजी दे रहे, फिर गाल बजा रहे, क्यों गाल बजा रहे, आपको गाल बजाने के लिए नहीं दिया, हमको दिया गाल बजाने के लिए, हम बजाएंगे, आप क्या कर रहे हो, ये क्यों तमाशा कर रहे हैं, इस पूरी पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं, ये जो मामला है इसमें कोई दम नहीं है, मैं इसकी दम तब मानूंगा कि आप पकड़ करके जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हो, आपके पास सरकार है, पकड़ करके उनको दूध का दूध पानी का पानी करो, कौन मना कर रहा है आप, कौन करा करेगा तो क्यों बयान दे रहे हो, क्यों गाल बजा रहे हो, क्यों ये आपके लोगों को रोकते नहीं हो, ये जाकर के ये सामने एक नई पार्लियामेंट लगी हुई बाहर, यानी एक पार्लियामेंट यहाँ है, और मुझे कई साल से ये लगता है कि यहाँ बोलना बेकार है, यहाँ से जाओ बाहर जाकर के जो मन में आप
जो मन में आए, जिसके लिए बोलो, जिसको गाली देना, जिसको जो कहना करो। और फिर इसके बाद बैठ करके कुछ टीवी वाले लोग तो कहते नेशन मॉन्स्टर हो, यानी देश की संसद नहीं है, राष्ट्र जानना चाहता है इन लोगों। और बैठे हुए वहां 24 घंटे टीवी चलाना, कोई दूसरा नहीं, फोकट का काम मिल गया ही, फोकट का काम मिल गया ही, क्या अजीब बात है। यानी इस अगस्ता में, यानी वो कोर्ट है, क्या कहते हैं, इटली की, मिलान, मिलान, वो मिलान शहर है, वहां की कोर्ट है, और आपकी कोर्ट नहीं है, आपका कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई आपकी सीबीआई नहीं है, ईडी नहीं है, कोई चीज नहीं है। दो बरस में ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, बड़ी जल्दी जल्दी खड़े हो रहे थे, काहे के लिए खड़े हो रहे हैं आप, क्यों खड़े हो रहे हैं, और आप क्या बोलोगे, आप बिल्कुल नहीं बोल पाओगे, यानी कुछ है नहीं, हाथ खाली है। तारीखें बताएंगे, जैसे तारीखें ये बता रहे थे, कुछ तारीखें आप बता दोगे। हाँ, ये सारे इतने सीनियर लीडर हैं, और आप इस तरह से कहेंगे कि क्या बोलोगे, अभी जब वो बोलेंगे तो ये सुन नहीं पाएंगे, order, order. और सारी बोलती बंद हो जाएगी। ऑर्डर, ऑर्डर करिए कि क्या बोलेंगे। ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज, टेक योर सीट, ऑल ऑफ यू। नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप सोच के, नहीं नहीं नहीं, मैं पारिकर साहब के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक डिफेंस मिनिस्टर के बारे में बोल रहा हूँ। ये नहीं है, पारिकर साहब बड़े भले सज्जन आदमी है, मैं कह रहा हूँ कि हो, चाहे ये इस पास के हो और चाहे उस तरफ के हो, ये गाल बजा रहे हैं, और उसमें होम मिनिस्टर भी गाल बजाएंगे। ये मेरी कोई बात ऐसी नहीं है कि मैं पारिकर साहब के लिए बोल रहा हूँ, मुझे लगा कि आपने जो ड्यूटी उनको दे दी है वो इतनी बेकार, इतनी फालतू, इतनी ज्यादा निरर्थक है कि आप देख रहे ना क्या निकलेगा इसमें। यानी इस देश में पूरा देश लूट गया, और ये 2G कौन नहीं, ये कॉमनवेल्थ का मामला जो इसमें अभी अभी आपका लोग, सर, द नोट सेज दैट शेयरिंग द कमीशन विथ फैमिली एंड जजमेंट सेज इच मेन द फैमिली ऑफ द देन एयरफोर्स चीफ, और उनको तो पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन और कोई फैमिली तो है नहीं। मेरा सवाल है, कोई दूसरा फैमिली तो है नहीं। सर, पेज 163 ऑफ द जजमेंट ऑफ मिलान कोर्ट, इट सेज, कोट, कॉल मोंटी और एम्बेसडर टेरासियानो इन माई नेम टू आस्क हिम टू कॉल द प्राइम मिनिस्टर .. I because I don't want to name that PM. Who was that PM? It is there in the judgment. So Monti ka bhi naam hai, Italian Prime Minister. Nonti ka bhi naam hai, Fonti ka bhi naam hai, Jhonti ka bhi naam hai. Ye sare Monti, Nonti, Jhonti, Fonti kaun hai? Isko parichay to humko janna chahiye, Hindustan janna chahte hai. Ye sarkar ko dwait banta hai. Ye sare khulasa kare. Ye Nonti, Fonti, Jhonti kaun hai? सर, 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 एक उल्फ गैंग मिशेल, इनका नाम आपने सुना नहीं होगा शायद, माइकल क्रिश्चियन मिशेल का नाम हमने सुना है, उल्फ गैंग मिशेल बोल के एक आदमी रहता था, ही वॉज इन्वॉल्व इन डिफेंस ड्रिल्स इन द 70s, रामगोपाल जी बफर से शुरू किया, मैंने उसका पहले भी चला गया 70s, और ही वॉज ए फ्रीक्वेंटर टू दिल्ली, ही वॉज ऑल्सो डीलिंग इन एयरबस, डसॉल्ट एंड ब्रिटिश ओरिजिन कंपनीज बिजनेस इन इंडिया। व्हेन ही बिकेम ए पर्सोना नॉन ग्राटा इन द डिफेंस मिनिस्ट्री, द ओल्ड प्लेयर क्लेवरली पास ऑल हिज डील्स टू हिज सन क्रिश्चियन मिशेल, हु इज द की अक्यूज इन द ऑगस्टा स्कैम। द अदर अक्यूज, द अदर अक्यूज, and he had very good relations with the palace, very good relations with the palace. This is why, since 1970, this was going on unabated. This was going on unabated. No CBI, nobody could touch this gentleman, sir. The another accused of Agasta is Haske. Funny thing is that
दिस हास्के बिकेम ए डायरेक्टर ऑफ ए इंडियन कंपनी हियर MRMGF इन 2009. माय क्वेश्चन इज हाउ ए स्विस नेशनल बिकेम ए डायरेक्टर ऑफ एन इंडियन कंपनी. नाउ हु फाउंडेड दैट MR एंड हु इज द करेंट ओनर ऑफ दैट कंपनी. That is the moot question. I am giving the answer. Yes, I am giving the answer. No, the answer is not acceptable to me. Let him speak, please. Sir, I am addressing you. I am addressing you. My voice cannot be throttled. Sir, I request you not to speak, sitting down, please. 255 or no 255, my voice cannot be throttled. Sir, this gentleman. So, who is the owner of this company? And what is the link between this company and the Augusta? All this has to be discovered by the government. And why the government is keeping mum? Why the government is silent? Sir, now, and a last point. And I must conclude. Only 1 minute I ask for you, sir, promise. Only 1 minute. In page 9 of the Italian Appeal Court, the seized document mentioned about Director General acquisition of the Defense Ministry. He has been awarded after this Augusta scam with a constitutional post to give him constitutional immunity from corruption charges. This is my clear-cut charge against those who were at the helm of the affairs at that point of time, that after this scam, he was awarded with the constitutional post so that he can get constitutional immunity. But Shankar Dayal Sharma, former president of India, in a particular case said about a governor against whom corruption charges were leveled that no constitutional immunity can be exercised or enjoyed by the governor since a corruption charge is leveled against him. I urge the government to take action against that constitutional authority also and pull down him from that seat, because it is disgraceful. It is disgraceful for the people who are holding the constitutional post if such people are allowed to continue. Last point. Sir, the last point. I am not going to reply to any Tom, Dick, and Harry. Who is he? Let him speak. Who is when he? You get a chance, you can reply. I am addressing you, sir. He is not saying right, anything sir. In Parliament. Let him. My name Bolunga. Chor Bachaye Sor.